अब हम लोग का अच्छा एनसीईआरटी खोलोगे तो एनसीईआरटी में तुमको तो टॉपिक देखेगा हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर. हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर. अब हम लोग जब बोल रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ईच अदर, तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं किसकी, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स की. फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स या फिर इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड्स. अब लॉजिक बहुत सिंपल सा है. यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेन देन क्या होता है, ठीक ठीक है ना. तो पहली बार ये एग्जाम में आने वाला है, छप चुका है, पक्के से आएगा, ठीक है ना. तो हम लोग जब लेन देन की बात करते हैं, हम लोग जब किसकी बात करते हैं, लेन देन की, तो पहली बार क्या होता है, दीज आर द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. दीज आर फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ, यानी कि एक बंदा इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा बंदा इलेक्ट्रॉन लेगा. एक हमेशा ही देगा और एक हमेशा ही लेगा, प्यार में ऐसा ही होता है, ठीक है. गिव एंड टेक. सेकेंड क्या चीज है, सेकेंड ये चीज है जो मेटल होगा वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. मेटल क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. मेटल अच्छा होता है, ये देता है, और ये क्या बनाता है, ये एक पॉजिटिव आयन बनाएगा. क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, केटायन, ठीक है. जो नॉन मेटल होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो बुरा होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है. जो बुरा होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, एनायन फॉर्म करेगा. अब ये जो केटायन है और ये जो एनायन है, कौन, केटायन एंड एनायन, तुमने पढ़ा है अपोजिट्स अट्रैक्ट. सो केटायन एंड एनायन आर हेल्ड बाय, ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्सेस. कोई अगर पूछता है कि इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, तो उसका आंसर क्या होता है कि जो केटायन और एनायन रहते हैं, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है. अब देखो मुद्दा क्या है, कार या इलेक्ट्रॉन, कार या, ठीक है ना, हर बंदे को चाहिए कि उसकी पार्किंग में कितनी कारें खड़ी हो, आठ. कितनी कारें खड़ी हो, आठ आठ. कितनी, आठ. इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं. क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल. तो हर मेटल चाहेगा कि उसकी सबसे बाहर वाली पार्किंग में कितनी कारें हो, आठ, एट. हर नॉन मेटल चाहेगा कि उसकी पार्किंग में कितनी कारें हो, एट. कितनी, एट. तो ये कारों का लेन देन करते हैं. क्या करते हैं, कारों का लेन देन करते हैं. कैसे लेन देन करते हैं, सपोज हमारे पास कौन है, हमारा सोडियम है. कौन है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है, 281. तो सोडियम की जो आउटर मोस्ट पार्किंग है उस पे कितनी कार खड़ी हुई है, एक. इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर. अब इसको ये एक कार अच्छी नहीं लग रही, इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये सात कारें ले आए, या फिर ये एक भी दे दे तो फिर इसकी पार्किंग में कितनी कारें खड़ी होगी, ये वाली आठ. तो इसके डॉट लिए फीजेबल क्या है कि ये क्या करेगा, ये अपनी एक कार दे देगा. तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, और ये क्या बन गया, Na+. ऐसा क्यों हुआ, बहुत ध्यान से सुनो. इसके पास 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या था, 281. अब इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन पहली बार कितना हो गया, एट. यानी कि अब इसकी पार्किंग में कितनी कारें खड़ी हुई है, आठ, है ना. और अब इसके पास प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं, 10. अब क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है
नेगेटिव चार्ज कम है, कितने से, 1 से, तो इसके ऊपर कितने का प्लस चार्ज आ गया, +1 का। क्लियर है क्या? अब है हमारी क्लोरीन। क्लोरीन जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 17। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 287। आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन या 7 कार्य भाग है ना। इसको अच्छी लग रही क्या ये 7 कार्य? नहीं, क्यों? क्योंकि इसे तो कितनी चाहिए, 8। तो इसे एक कार चाहिए, तो वो एक कार ले लेगी किससे? सोडियम से। किससे लेगी? सोडियम सोडियम से से। तो इसकी पार्किंग में अब कितनी कारें आ जाएगी, और इस पे एक -1 का चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 287। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 288। यहाँ पर इसके पास 17 प्रोटॉन थे और 17 इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है क्या? तो सोडियम ने क्या बनाया, Na+। क्लोरीन ने क्या बनाया, Cl-। तो Na+ जब किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, Cl- के साथ, तो क्या बनेगा, NaCl, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बोलो कोई परेशानी है ना। इसको रिप्रेजेंटेशन का एक बहुत सिंपल तरीका होता है। Na के आउटरमोस्ट शेल में पार्किंग में कितनी कार है, एक। क्लोरीन के पार्किंग में कितनी है, एक, दो, तीन, चार, चार पांच, छह, छः सात सात। Na ने अपनी एक कार किसको दे दी, क्लोरीन को। यही हुआ, हाँ मोटा मोटा देखे तो यही हुआ। तो ये क्या बन गया, Na+ बन गया। ये क्या बन सीएल गया, माइनस Cl- बन गया। ये डॉट ना और निकल ये NaCl बन गया। बोलो कोई परेशानी। पोटेशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हो जाएगा, 2881। गया। यानी कि इसका जब आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाओगे, तो ऐसा के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इसकी पार्किंग में कितनी कार खड़ी होगी, एक। ठीक है ना। अब इसको ये एक कार अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अगर ये एक चली जाएगी तो इसकी पार्किंग में कितनी आ जाएगी, 8 कारें आ जाएगी। तो ये क्या करेगा, अपनी एक कार क्या कर देगा, दे देगा, और इसके ये खुद क्या बन जाएगा, K+। ठीक है, अब यही कहानी क्लोराइड की वापस करेंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना, 287। इसकी पार्किंग में कितनी कार खड़ी हुई है, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा, Cl। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और चार्ज इस पे कौन सा आ जाएगा, माइनस का। अब ये क्या है, K+। ये क्या है, Cl माइनस। तो K+ प्लस Cl माइनस। ये पूरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ब्रैकेट बनाना, माइनस साइन लगाना, इन हर चीज के एग्जाम में क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। और ये क्वेश्चन कंफर्म है, ये जो इतना सा लिख रहे हो ना, इसके तुमको पक्के से 2 मार्क मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना, बस इतना सा लिखना है। सिंप्लीफाइड मोड में देखें तो के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने थे, 7। इसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये क्या बन गया, K+ और Cl माइनस। तो ये क्या हो गया, KCl। इज दैट क्लियर? अब मान फिर से वही खेल, मेरे पास कौन है, Mg है। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 282। यानी कि इसके साथ स्टोरी क्या होगी, इसकी पार्किंग में 2 कारें खड़ी हैं, लेकिन इसको 2 कार अच्छी लग रही है क्या, नहीं लग रही। ये क्या करेगा, अपनी 2 कारें क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और खुद क्या बन जाएगा, प्लस Mg+2। हम्म। ठीक है, अब ये जब Mg+2 बन रहा है, तो इसके साथ हम फिर से ले आए क्लोरीन। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, एक। तो ये क्या बना लेगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। अब प्रॉब्लम स्टार्ट है।
मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है? दो। दो, लेकिन फ्लोरीन कितने लेना चाह रही है? एक। सिंपल पे गलत बात, मैग्नीशियम ठान के बैठा है, जिसको दूंगा पूरे दो ही दूंगा। क्लोरीन बोल रही है क्या? एक से ज्यादा नहीं एक लूंगा, मेरी बाकी में जगह ही ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैग्नीशियम ने क्लोरीन को बोला, तेरे फ्रेंड को ले आ। तुमने क्या करा? दो क्लोरीन लिया है। अगर हम लोग दो क्लोरीन ले आए, तो दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्या चाहिए। मैग्नीशियम भी दो ही देने को तैयार है? हाँ। और ये दो क्लोराइड आयन बनाएंगे, ठीक है। अब कहानी कैसी होगी? अब कहानी होगी Mg+2+2Cl माइनस। तो अब हमारे पास क्या बनेगा? MgCl MgCl है ना। इसको अगर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना हो, तो Mg के आउटरमोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। दो, हम कितने क्लोरीन लेकर आए? दो। इसके पास कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7। सिक्स इसके पास 1 2 3 4 फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन सेवन और मैग्नीशियम एक इसको दे देगा और एक इसको इसको दे दे देगा। देगा, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। बोलो कोई परेशानी? निकाल कैल्शियम देखो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? टू एट 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 टू यानी कि इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। टू दो तो ये क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे देगा और खुद क्या बना लेगा? Ca+2। ठीक देगा। है, अभी क्लोराइड की सोल तो सेम है। अब अगर ये दो देने को तैयार है, तो क्लोराइड एक आएगा कि दो आएंगे? क्लोराइड दो दो आएंगे, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही दो क्लोराइड लेके चले। टू Cl, हर एक Cl के पास कितने रहेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स। वुड एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म टू Cl माइनस, सेवन ठीक है। एंड दे लिव हैप्पीली एवर हैप्पीली आफ्टर एवर आफ्टर। Ca+2+2Cl माइनस माइनस यहाँ वुड पे गिव सेवन मी बनेगा ना। CaCl2। ये 7 नहीं बेटा, ये 8 है, क्योंकि ये क्लोराइड आयन है। ये ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन, दो एटम, दो इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं, मतलब एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है। ठीक है, बोलो कोई परेशानी? क्या क्लियर हुई है कहाँ? चलो फटाफट जल्दी से AlCl3 देखते हैं। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3। Al के आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये Al3+ बनाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, 3 क्लोरीन एटम्स जिनका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। वो 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम देने को भी कितने तैयार है? 3 क्लोरीन लेगा भी कितना? 3। तो उसके लिए कितने क्लोरीन लग जाएंगे हमको? 3 क्लोरीन लग जाएंगे, जो 3 क्लोराइड आयन्स बनाएंगे। ठीक है, और फिर क्या होगा? Al3++3Cl- वुड गिव मी AlCl3। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक क्या करे? क्लोराइड्स देखे, कौन कौन से? NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 और AlCl3। ठीक है ना, अब हम लोग देखेंगे क्या? ऑक्साइड्स। क्या देखेंगे? ऑक्साइड। सबसे पहला ऑक्साइड जो हम लोग देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। अब सोडियम की कहानी हम लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन कितना होगा इसका? 2 8 1, यानी कि इसकी पार्किंग में कितनी कार खड़ी है? एक। ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और Na+ बना लेगा। ठीक है, और ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 2.6, यानी कि इसकी पार्किंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कार है? 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सुनो, ऑक्साइड की पार्किंग में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? ऑक्सीजन की पार्किंग में दो। सोडियम कितने दे सकता है? एक लेकिन ऑक्साइड तो जिंक पे अड़ा है, कितने चाहिए? दो दो। सोडियम कितने ही दे सकता है? एक। एक तो हमें कितने सोडियम लाने पड़ जाएंगे? दो
हमें कितने सोडियम लाने पड़ जाएंगे, दो जीरो सोडियम लाने पड़ जाएंगे, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से। ओके तो अब मेरी रिएक्शन क्या होगी, टू एन ए प्लस प्लस ओ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये क्या होगा, टू माइनस होगा। टू माइनस क्यों होगा, क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए, और कंपाउंड क्या बनेगा, एन ए टू ओ। ठीक है, तो पहले जैसे हम लोग क्लोरीन दो ले रहे थे, इस बार हम लोगों ने क्या लिए, सोडियम दो ले लिए। ठीक है, अब पोटेशियम का भी बिल्कुल ऐसा बनेगा, पोटेशियम का भी बिल्कुल ऐसा बनेगा जो तुम खुद से बनाओगे। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम, क्या देख रहे हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.2, तो इसके पार्किंग में कितने हैं, दो, ये क्या करेगा Mg2+ बनाएगा, और दो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.6, मतलब इसकी पार्किंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, इसको कितने चाहिए, दो, तो ये ऑक्साइड आयन बनाएगा O2-। ठीक है, अब सुनो, क्या मैग्नीशियम दो देने को तैयार है, हाँ, क्या ऑक्सीजन दो लेने को तैयार है, तो यहाँ पे तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, तो हम लोग क्या लिख देंगे, Mg2+ प्लस ओ माइनस टू माइनस वुड गिव मी कितना, MgO। MgO, क्या CO भी सेम बनेगा, सेम, कैल्शियम भी दो देने को तैयार है, ऑक्सीजन दो लेने को तैयार है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सिंपली क्या करेंगे, बॉन्ड बन जाएगा। आगे जाए, अब देखो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो है एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2.8.3, एल्यूमिनियम की पार्किंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन, ये क्या करेगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन देके Al3+ बना लेगा, और तीन इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट। अगर यही ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड की पार्किंग में कितनी कार खड़ी हुई है, छह, ये कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, दो, तो ये क्या करेगा, इशू यहाँ पर है क्या, हाँ, क्या इशू है, एल्यूमिनियम कितने देने को तैयार है, तीन, ऑक्सीजन कितने लेने को तैयार है, दो, अगर एक और ऑक्सीजन आ भी जाता है तो एल्यूमिनियम कितने देने को तैयार है, तीन, लेकिन ऑक्सीजन अब दो मिला के कितने लेंगे, चार, गड़बड़ है, तो हमने बोला अगर ये चार लेने को तैयार है तो एल्यूमिनियम एक और आ जाए, तब एल्यूमिनियम कितने हो गए, दो, दो एल्यूमिनियम मिलके कितने देंगे, छह, लेकिन ऑक्सीजन के पास कितने, चार, तो ऑक्सीजन कितने लाने पड़ेंगे, तीन, तो हम लोग जो ये वाली इक्वेशन है इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, टू से। जब इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बोलेंगे दो एल्यूमिनियम एटम जो है वो दो एल्यूमिनियम आयन बनाएंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, छह, और जो ये वाली इक्वेशन है इसको कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्री से, यानी कि तीन ऑक्सीजन एटम्स जो है तीन ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, छह इलेक्ट्रॉन लेंगे। अच्छा, क्या एल्यूमिनियम दे भी छह रहा है, दो एल्यूमिनियम मिलके कितने दे रहे हैं, छह, तीन ऑक्सीजन मिलके कितने ले रहे हैं, छह, क्या कहानी यहाँ पर सेटल हो गई, तो कितने ऑक्साइड आयन बनेंगे, तीन ओ टू माइनस बनेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू ए एल थ्री प्लस प्लस थ्री ओ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, टू माइनस वुड गिव मी क्या, ए एल टू ओ थ्री, इज दैट क्लियर। देखो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो रहती है उसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, पहली बात कि ये जो रहते हैं ये स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब होता है जैसे NaCl है, तो NaCl की एक एक बार बार क्या होगी, लॉन्ग रेंज में रिपीटिंग मिल रहेगी, Na
फिर सी एल, फिर एन ए, फिर सी एल, फिर एन ए, फिर सी एल, ऐसा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। तो जब इसकी ऐसे किसी कंपाउंड में ऐसे रेपिटेटिव यूनिट्स बनेगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। सेकंड, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं और जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? बिकॉज़ जब पॉजिटिव और नेगेटिव पास आते हैं तो हमने चीख चीख के पढ़ा था, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो वो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। और क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हाई होते हैं। थर्ड, इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वॉटर, HCl। पोलर सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, जैसे H प्लस और Cl माइनस। तो जो जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, उन सॉल्वेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, पोलर सॉल्वेंट्स। तो ये क्या रहते हैं, फिजिक केमिस्ट्री में एक रूल होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है जो पोलर कंपाउंड है, पोलर मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलके बन रहे हैं, वो डिजोल्व भी किस में होंगे, पोलर में होंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बन रहे हैं। फोर्थ, लास्ट प्रॉपर्टी रहता है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। मतलब अगर ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते? क्योंकि सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते। कौन फ्री नहीं होते? आयंस अगर उनको फ्री करना है तो या तो उनको पिघलाना पड़ेगा, यानी कि मोल्टन स्टेट में, या फिर उनको पानी में घोलना रहेगा, दैट इज एक्वस स्टेट में। क्लियर है? तो हम लोगों ने बोला दैट दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। इज दैट क्लियर? बोलो, कोई परेशानी? समझ में आई कहानी? आगे जाएं, यहाँ पर तुम्हारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स की पूरी कहानी क्या होती है पता? क्लियर है?